ये क्या कहा है जज साहब ने आपको? महाराज तो आपके पास पूरा मौका था, आप अकेले थे, आपने मौका पेश किया पूरे का पूरा। क्या कहा है आपने? चलते जाए, चलते जाए, चल रहे, चल रहे। जज साहब ने आपसे क्या पूछा है? मैं कुछ कहना चाहूंगी इस केस के हवाले से। क्या जज साहब से बात हुई है? को उन्होंने कुछ रास्ता भी बात की है? चलते जाएं। आपके पास भरपूर मौका था आज, क्योंकि आप बिल्कुल अकेले थे कमरा अदालत में। जज साहब को आपने क्या बताया, क्या पूछा उन्होंने? आप हमेशा बात करना चाहते हैं कमरा अदालत में, लेकिन आपकी बात पूरी नहीं होती। आज आपको मौका दिया गया, क्या कहा है आपने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शाहिद सकलैन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज 22 दिसंबर है और दिन है बुध का। बुध का दिन जो है वो अहम है इसलिए कि आज नूर मुकद्दम कत्ल केस के हवाले से यहां इस्लामाबाद की कचहरी में एडिशनल सेशन जज अता रबानी साहब के पास जो है वो समाअत होती है, और समाअत की तकरीबन जो कार्रवाई होती है वो हम आप तक हर्फ ब हर्फ फैक्चुअली पेश करते होते हैं। लेकिन आज की समाअत जो है वो नहीं हो सकी, आज की समाअत नहीं हुई, लेकिन आज की समाअत में ऐसा बहुत कुछ हुआ जो हमारे लिए भी हैरान कुन था। आप लोग भी सुनेंगे तो ज़ाहिर बात है आप लोगों के लिए हैरान कुन होगा, क्योंकि ये चीज़ें ऐसी पहली दफ़ा हुई हैं कि ये जब से ये ट्रायल चल रहा है 20 जुलाई से, आज से पहले नहीं हुई है। आज की इस वीडियो में ये सारी चीज़ें आपके सामने रखूँगा। एक बार ऐसा हुआ कि मरकज़ी मुलज़िम को आज अलग से लाया गया, उसकी वीडियो आप देख चुके हैं जो मैंने शुरू में लगा दी है, और उसके बाद हमने उसे बात करने की भी कोशिश की, उसने कोई बात नहीं की। आज उसका कैसा था रवैया और वो क्या था वो सारा आपको बताऊँगा, और साथ में मरकज़ी मुलज़िम को जज साहब ने कुछ देर के लिए अकेले अपने पास अंदर बुलाया और तकरीबन हम समेत रिपोर्टर्स, वकला, पुलिस वाले सबको बाहर निकाल दिया। ये क्या मामला था इसके ऊपर बात करेंगे। और ये जो केस है ये तकरीबन अब इसमें तकरीबन एक महीने का डिले आ गया है, क्योंकि जो आखिरी समात हुई थी उसके बाद जो अब अगली समात होगी इसमें तकरीबन एक माह के करीब जो है गैप है। ये सारी चीज़ें आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। सबसे पहले आज की जो समात है उसकी कार्रवाई आपको बता देता हूँ। 8:30 बजे आज जो है जैसे अदालत शुरू होती है, और उसके बाद जब समात का हमें टाइम पता चला तो वो 10:30 बजे समात का टाइम मुकर्रर किया गया। 10:30 बजे हमारी कोशिश होती है कि हम इस टाइम पे पहुँच जाएँ ताकि जब ये कार्रवाई शुरू हो तो हम शुरू से इसको कवर करें। लेकिन 10:30 बजे जब इस समात का टाइम हुआ, जज साहब के सामने जब पेश हुए, उधर से पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी आते हैं और जो डिफेंस के वकला हैं वो लोग भी आए, उधर से नूर मुकद्दम की फैमिली से शौकत मुकद्दम साहब आए हुए थे, आज उनकी फैमिली के कुछ और लोग भी आए हुए थे। वो जो है जब समात में अंदर गए हम लोग तो पता चला कि जी बशारतुल्ला साहब जो हैं, जो जाकिर के वकील हैं, उन्होंने ये कहा कि जी आज की ये जो समात है इसको आगे कर दिया जाए, क्योंकि आज जो जाकिर जो ज़ाहिर जाफ़िर का वकील है सिकंदर ज़ुल्करनैन और अकरम कुरैशी साहब जो वकील हैं थेरापी वर्स वालों के, लेकिन जिरा को लीड करते होते हैं, वो भी लाहौर से आते हैं। असद जमाल साहब लाहौर से आते हैं, वो आए हुए थे, लेकिन दो लोग जो कि सिकंदर ज़ुल्करनैन और अकरम कुरैशी साहब हैं ये दोनों आज नहीं आ सके थे, और उनकी वजह से उन्होंने कहा कि जिस समात को आगे किया जाए। आज की ये समात अहम थी, बहुत सारी चीज़ें होनी थी इसमें। एक तो इंसैनिटी प्ली के ऊपर आज बात होनी थी, दलाइल होने थे। दूसरा जो है वो थेरापी वर्स वालों की एक और दरख्वास्त थी कि गवाहान को बुलाया जाए मज़ीद, उसके ऊपर भी बात होनी थी। तीसरा जो है आज इसमें मुदस्सर के ऊपर जिरह होनी थी, वो भी नहीं हो सकी। चौथा आज शौकत मुकद्दम साहब का जो है स्टेटमेंट रिकॉर्ड होना था, वो भी नहीं हो सका। और आज ये सारा मामला जो है कुछ यूं हुआ। बहरहाल उसके बाद ये बताया गया कि जी सिकंदर ज़ुल्करनैन साहब और जो अकरम कुरैशी साहब हैं वो लाहौर से नहीं आ सके, इसलिए इस पेशी को आगे ले जाया गया। जो मुझे पता चला है वो ये है कि शायद अकरम कुरैशी साहब जो हैं उनकी आँख का ऑपरेशन के हवाले से बात की जा रही थी, वो बहरहाल आज नहीं आए। तो ये जो समात है ये अब 5 जनवरी पर चली गई है, ये तो हो गया। अब जो मुलजमान हैं 11:30 बजे के करीब जो है वो बाकी जो मुलजमान हैं उनको लाया गया, हम वेट कर रहे थे, वीडियोस भी बनाई, लेकिन जो मरकज़ी मुलजिम ज़ाहिर जाफ़िर है उसको पेश नहीं किया गया। फिर हम ज़ाहिर है वेट करने लग गए, बाकी मुलजमान की हाज़िरी लगी और उनको वापस ले जाया गया, लेकिन ज़ाहिर जाफ़िर को नहीं लाया गया। 12:00 बजे के करीब जो है हम अदालत के बाहर ही थे कि ज़ाहिर जाफ़िर को अदालत लाया गया। हम ज़ाहिर जाफ़िर की हमने फुटेज बनाई, हम अंदर चले गए सारे जो सहाफ़ी दोस्त हैं और वकला वगैरह सब, लेकिन अंदर जब हम लोग गए तो अदालत ने बाकायदा ऑर्डर किया, उन्होंने हुक्म दिया कि जी बाकी जो लोग हैं
वो सारे बाहर चले जाएं और इसको अकेला अदालत में छोड़ दिया जाए। वकला भी बाहर आ गए, हम लोग भी बाहर आ गए और जो पुलिस के लोग हैं वो भी बाहर आ गए। तो बहरहाल तकरीबन 5-1 मिनट जो है वो अंदर मौजूद रहा ज़ाहिर जाफ़र। जब ज़ाहिर जाफ़र बाहर निकला तो हमने उससे क्वेश्चंस किए, हमने उससे पूछा कि जी आपकी जज साहब से क्या बात हुई है, आज आपको मौका मिला है, आप हमेशा कहते हैं कि मुझे बोलने का मौका दिया जाए, आज तुम्हें मौका मिला है, आज तुमने जज से क्या बात की है, क्या जज को तुमने अपना मौक़िफ बता दिया है। हमने बड़ी कोशिश की कि शायद वो कोई बात कर दे, लेकिन वो एक पिछले गुज़श्ता 2-3 समातों से बाकायदा तौर पर ये वाज़ नज़र आ रहा है कि उसको बता दिया गया है, अब वो कोई हमसे कोई बात नहीं करता, ना अदालत में कोई बात करता है। आज उसके चेहरे के ऊपर जो है वो बाकायदा फील हो रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है उसके साथ। जो मैंने चेक किया है, जो मुझे नज़र आया है वो ये है कि उसके साथ कोई मसला ज़रूर है। आज जो है जब ये उसको ज़ाहिर जाफ़र को ले जाया गया, हम वापस आए तो हम जज साहब के पास गए और अंदर जब दाखिल हुए तो वहाँ पूछा गया किसी दोस्त की तरफ से कि जी वकालतनामा तो साइन नहीं करवाया गया। तो इस पर जज साहब ने बड़ी बरहमी का इजहार किया और उन्होंने कहा कि जी जज का ये काम नहीं होता है जो है, और स्पेशली आप जो है मेक योर स्टेटमेंट करेक्ट, आप जो है इस अपनी स्टेटमेंट को ठीक करें, और स्पेशली अता रबानी साहब के हवाले से कि जी ऐसी कोई बात नहीं है, जज का ये काम नहीं होता, जज कानून के मुताबिक काम करता है और ऐसी कोई बात अदालत में नहीं हुई। बहरहाल उसके बाद हम अदालत के अंदर मौजूद थे, पब्लिक प्रोसिक्यूटर हसन अब्बास भी मौजूद थे। जज अदालत ने कुछ बातें ऐसी की हैं जो इस केस से हवाले से बड़ी अहम है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो बकायदे तौर पर अदालत की तरफ से, जज साहब की तरफ से ये कहा गया कि नेक्स्ट जो पेशी है उसके ऊपर जो है वो इसको कोशिश करें कि इन तमाम चीज़ों को जो पेंडिंग है इनको करें। फिर दलाइल के हवाले से हसन अब्बास ने कहा कि जी दरखास्तें आ जाती हैं तो ज़ाहिर है उसकी वजह से टाइम लग रहा है, तो जज साहब ने कहा कि नहीं, उन दरखास्तों को भी देख लेंगे, वो दरखास्तें भी जल्द निपटा देंगे। एक चीज़ बड़ी अहम हुई और वो हुई सिकंदर ज़ुल्करनैन के हवाले से, स्टेटस क्लियर नहीं था सिकंदर ज़ुल्करनैन का, आज बाकायदा तौर पर स्टेटस क्लियर हो गया। आज ये पता चला है जब जज साहब ने यह कहा है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन अगर अगली पेशी पर नहीं आए तो मैं उसको डीनोटिफाई कर सकता हूँ, उसको हटा दिया जाएगा, और ऑलरेडी मेरे पास वकील मौजूद है, शायद वो शहरयार साहब के हवाले से कह रहे थे जो पहले वकील थे मरकजी मुलज़िम के, तो उन्होंने कहा जी मेरे पास वकील मौजूद है, अगर सिकंदर ज़ुल्करनैन अगली पेशी पे नहीं आते तो मैं डीनोटिफाई कर दूंगा। इससे ये चीज़ एक तो वाजे हो गई है कि सिकंदर ज़ुल्करनैन जो है वो अभी तक स्टेट कौंसल है, यानी जो अदालत की तरफ से वकील दिया गया है ज़ाहिर जाफ़र को, वही वकील है सिकंदर ज़ुल्करनैन। ये वाला मामला भी आज जो है अदालत में क्लियर हो गया। उसके अलावा इस केस को जो टाइम दिया गया है हाईकोर्ट की तरफ से 6 वीक्स का, आज जो अता रबानी साहब ने बाद में जब हम आए और जब उन्होंने ये सारी बातें की तो उस दौरान उन्होंने बाकायदा तौर पे इस चीज़ का भी हमें तासर मिला कि बिल्कुल 100% ये केस जो है कोशिश यही की जा रही है। उन्होंने कहा भी सही कि इंशाल्लाह हम इसको इन टाइम ख़त्म कर लेंगे, तो ये जो 6 हफ़्ते का टाइम जो है जो दिया गया है वो दिया जाएगा। आज की ये समात नहीं हो सकी लेकिन फिर भी बड़ी अहम थी, क्योंकि आज जो है कुछ दोस्तों से बात हुई जो वकला यहाँ पे हैं या जो रिपोर्ट करते हैं। एक चीज़ यह है, ये बताई जा रही है कि शायद समझाया गया हो, ये डिपेंड करता है, ये वैसे ही मतलब एक तज़िया है कि समझाया गया हो कि जी तुम्हें राइट है, तुम अपना वकील करो, इसको बाकायदा लड़ो और इसका फ़ैसला तो ज़ाहिर कानून के मुताबिक अदालत ने करना है, लेकिन ये एक अक्यूज़ का राइट होता है कि वो बाकायदा अपना वकील करे। और ये सारा मामला आज बहरहाल बहुत अहम समात थी, वो इसलिए कि 20 जुलाई से लेकर आज तक और जब से ये ट्रायल शुरू हुआ है उसके बाद से आज तक ये अलग से जो एक मुलाकात हुई है ज़ाहिर जाफ़र की जज साहब से, उसमें क्या बात हुई है ये हम रिपोर्ट तो नहीं कर सकते क्या बात हुई है क्योंकि हमें पता ही नहीं है, लेकिन बहरहाल ये एक अहम आज इवेंट हुआ है। और ये 5 जनवरी पे चली गई है, 5 जनवरी वाले दिन फिर वही मामलात होंगे कि शौकत मुकदम साहब का भी बयान होगा, मुदस्सर पे भी जिरह होगी और ये जो इंसैनिटी वाला मामला है उसके ऊपर भी दलाइल होने हैं, और बाकी सारे जो मामलात हम आपको आगाहे बगाहे बताते रहते हैं कि आने वाली समात में जो होने हैं वो होंगे। अब ये केस जो है अपने मंतकी अंजाम की तरफ इसलिए पहुँच रहा है कि बस तकरीबन थोड़ा ही चीज़ें रह गई हैं, गवाहों के बयान होंगे और उसके बाद जो है स्टेटमेंट्स जो है दोबारा एक्यूज्ड की स्टेटमेंट्स होती हैं वो भी रिकॉर्ड की जाएंगी और उसके बाद हतमी दलाइल होंगे और फिर ये केस अपने मंतकी अंजाम को, और उम्मीद यही है कि जनवरी का जो आने वाला महीना है उसमें यह अपने मंतकी अंजाम को पहुँच जाएगा और मज़ीद टाइम नहीं लिया जाएगा। बहरहाल ये समात नहीं हुई लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो आपको शायद कन्वेंशनल मीडिया रिपोर्ट नहीं करेगा, लेकिन हम दोस्त जो यहाँ आते हैं और चीज़ों को ऑब्जर्व भी कर रहे होते हैं, देख भी रहे होते हैं, वो आप तक हमने पहुँचा दी। 2-3 चीज़ें आज बड़ी क्लियर थी। बहरहाल अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह पाकिस्तान का आमीन, और इसके खिलाफ साजिश करने वालों को सुनाबूद करें। आमीन सुम्मा आमीन। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।